नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि प्रत्येक 729 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घन एक दूसरे से कोरों से जुड़े हैं, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठफल क्या है। उसने कहा कि दो घन हैं, हम उनको पहले ही जोड़ लेते जो कि कोरों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये उसने कहा है कि प्रत्येक 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये दो घन जो हमें दिख रहे हैं दोनों का आयतन कितना है 729 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और यह एक दूसरे से जुड़ गए हैं, जब जुड़ गए हैं तो यह घन की जगह क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। तो जो घनाभ बना है उसका उसने हमसे पूछा है कि कुल पृष्ठफल क्या है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। सीधी सीधी बात है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ उसने हमसे चाहा है। ठीक है, तो पहले तो घन का आयतन, यह 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन जब हम घन का आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, भुजा की पावर 3 या भुजा का क्यूब। हम यहां मान लेते हैं कि जो हमारा घन है उसकी भुजा a है, तो a का क्यूब हो जाएगा और यहां हो जाएगा 729। तो a बराबर कितना होगा, यहां रूट के अंदर 729, हम 729 के करेंगे गुणनखंड, तो यह 9 × 9 × 9, 3 बार अगर हम देखें तो 9 का ही घन होता है 729, यहां एक बन जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी a तो निकल आई, अब हमें पता है कि जब हमने दोनों को जोड़ा तो लंबाई क्या हो जाएगी, यहां की भी a और यहां की भी a, यानी a प्लस a होगी लंबाई 2a हो जाएगी। तो जो घनाभ होगा घनाभ की लंबाई, अब यहां पर हम घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ की लंबाई क्या होगी 2a, यानी 2 × 9 और 9 × 2 = 18 सेंटीमीटर। घनाभ की जो चौड़ाई होगी वह तो a ही रहेगी, यानी जो है वो 9 सेंटीमीटर, और घनाभ की जो ऊंचाई रहेगी वो भी a रहेगी। ठीक है, तीनों चीजें हमने निकाल ली हैं, लंबाई भी निकल आई, चौड़ाई भी निकल आई और ऊंचाई भी निकल आई। अब हम लगाएंगे सूत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ठीक है, यानी हम दो दो बार सबका गुणा करते हैं, लंबाई का चौड़ाई में, चौड़ाई का ऊंचाई में और ऊंचाई का लंबाई में, और दो बाहर लगा देते हैं 2, सबकी वैल्यू हमारे पास है 2, लंबाई की वैल्यू है 18, तो 18 × चौड़ाई की है 9, इसकी है 9, इसकी है 9, इसकी ऊंचाई है 9 और लंबाई है 18, हमने सबकी वैल्यू यहां से उठा उठा के वहां पर रख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, 18 का जब 9 में करेंगे तो कितना होता है 162, 18 × 9 = 162, 9 का 9 में करेंगे तो 81 और 9 का 18 में करेंगे तो वही 162। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहां से जोड़ेंगे 2 × 1 = 3 × 2 = 5, यहां से जोड़ेंगे 6 × 6 = 12 और 8 = 20, 2 हासिल लगी और 1 × 1 = 2 और 2 लगी हासिल, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी 405 हमारा यहां से निकल के आ गया। अब 2 का यहां पर गुणा करना है, 2 × 5 = 10, यहां 0 है तो 1 और 4 × 2 = 8, यानी 810 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहेगा, तो 810 सेंटीमीटर आया जो कि परिणामी घनाभ था।
जब दो घन को हम मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। ठीक है, तो हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाला। यहाँ उसने आयतन दिया था हमें इस घन की भुजा ज्ञात करने के लिए। जब घन की हमें भुजा निकल के आ गई, दोनों घनों का है आयतन, तो दोनों घनों की भुजा भी 9 और 9 ही होगी। ठीक है, इसी हमने भुजा से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को निकाला। इसमें क्या होगा, लंबाई सिर्फ डबल हो जाएगी, यानी इधर से तो हमने 9 और 9 करके 18 लिख दी उसकी लंबाई। चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 9 रहेगी चौड़ाई और 9 रहेगी ऊंचाई। यहाँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा दिया, 2LBBH और LHL। ठीक है, यह सूत्र लगा के हमने निकाल दिया, तो हमारा आंसर निकल आया 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल निकाला तो हमने सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाया है। ठीक, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल PK गुरुजी के साथ। नमस्कार।